नमस्कार, आप देख रहे हैं के क्या न्यूज, मैं अनुज पाल। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की। थाना शाहजहानाबाद पुलिस ने पुरानी रंजिश को लेकर हत्या करने वाले आरोपी को महज चंद घंटों में गिरफ्तार किया। दरअसल नीलकंठ कॉलोनी ईदगाह हिल्स भोपाल में सोनू सूर्यवंशी नामक व्यक्ति को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल सोनू सूर्यवंशी को उपचार हेतु हमीदी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जाँच कर रही है। वहीं पूरी खबर क्या है आइए देखें। हाँ, कहीं ना कहीं इसका प्रेम प्रसंग के चलते ही उसकी हत्या उसके भाई द्वारा की गई है। हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये घटना परसों की है और घटना इस प्रकार की है कि महिला आई थी, घायल की माँ आई। उसने बताया कि मेरा लड़का सोनू नाम के लड़के ने छुरी मार दी, जो हमीदिया अस्पताल में इलाज है, तो भर्ती है। घटना की गंभीरता को देखते हुए हम लोग सभी अधिकारी वहाँ पहुँचे, हमीदिया अस्पताल पहुँचने पर पता चला कि डॉक्टर सुहाग द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया है। मृत घोषित होने के उपरांत तत्काल ही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में दो टीमें लगाई गई हैं और दोनों टीमों के माध्यम से उसको पुलिस अभिरक्षा में दिया गया है। सर, आरोपी का पूर्व रिकॉर्ड कोई भी नहीं है। मृतक आरोपी जो है थाना शाहजहानाबाद में अपराध क्रमांक 256/23, धारा 363, इजाफा धारा 366, 376, 501 में अरेस्ट किया गया था। क्योंकि आरोपी की बहन को भगा के ले गया था, उस पर से प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। और सर, सुना ये भी जा रहा है कि उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ की जाती थी आरोपी की। हाँ, कहीं ना कहीं इसका प्रेम प्रसंग के चलते ही उसकी हत्या उसके भाई द्वारा की गई है। आरोपी कहाँ का रहने वाले? आरोपी मूलतः दोनों आरोपी और पीड़ित पक्ष दोनों सागर जिले के रहने वाले हैं, और किंतु काफी समय से यहाँ ईदगाह हिल्स पे रहते थे वो। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल से। देखते रहिए के क्या न्यूज। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।